अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कुतुब मीनार का असली रहस्य क्या है? कुतुब मीनार, इतिहास में जाएं तो हमें ये पढ़ाया गया वामपंथियों के द्वारा, सिलेबस जो परोसा गया उसमें लिखा गया कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये आप सब जानते हैं, पढ़ा भी है आप लोगों ने, हम लोगों ने, लेकिन ये कोरा झूठ है। ये कोरा झूठ है, क्यों है उसका कारण जानिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 2.5 साल का था, मात्र 2.5 साल कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। और दूसरा, 2.5 साल में वो मीनार नहीं बन सकती, ये हम सब जानते हैं। उस मीनार को 2.5 साल में नहीं बनाया जा सकता। उस मीनार के आसपास या उस मीनार के प्रांगण में कई देवगणों के अवशेष भी अवेलेबल हैं, लेकिन इस मीनार की जो सच्चाई है वो ये है कि ये वराह मीर ने 1600 उसके भी 1600 साल पहले बनवाई थी। लेकिन इस्लाम में तो ये रहा ही है कि जब वो आए आताताई तो उन्होंने जहाँ देखा चीज़ें हटाई, अपने मंदिर जैसे मंदिर बने थे उन मंदिरों के गुम्बद हटाए, दूसरे गुम्बद लगाए, बीच में से मूर्ति हटा दी, वहाँ कब्र बना दी। ऐसे ही तो हुआ है। लाहौर में एक मंदिर था, वो वहाँ की बड़ी मस्जिद में है आज, लिखा है उसमें 5000 साल से चढ़ावा, 5000 साल से वहाँ पर दक्षिणा आदि चढ़ रही थी। और उस मंदिर को इन्होंने जब लूटा तो उस मंदिर को इन्होंने बस चीज़ें हटाई ऊपर की, उसको एक गुम्बद दिया और वो मस्जिद बन गई। तो ऐसे हजारों प्रमाण हैं। ऐसे इन्होंने अपनी नेम प्लेट किसी की हटाई और अपनी नेम प्लेट लगा दी, जैसे बाबरी मस्जिद वाला मामला है, इन्होंने नेम प्लेट हटाई और नेम प्लेट अपनी लगा दी। इसके अलावा कोई दूसरा दर्शन नहीं है भैया। तो ये है कुतुबुद्दीन। और वराहमीर ने क्यों कराया था कुतुब मीनार का निर्माण? नक्षत्रों की चाल देखने के लिए। वराहमीर ने ये मीनार बनाई थी नक्षत्रों की चाल को देखने के लिए। पढ़िए आप वराहमीर को तो समझ में आएगा।